हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो को मैं काफ़ी पसंद आई थी, आई होप ये वाली भी पसंद आए। इसमें हम जा रहे हैं ऋषिकेश, सुबह के 5:30 बज रहे हैं एंड यहाँ से मैं जाऊँगा अपने दोस्तों के घर, वहाँ से हम कैब लेके जाएंगे आगे। सो लेट्स गो। हेलो, ये सारे नहीं जा रहे हैं, सिर्फ जो जा रहे हैं वो हाथ हिला दो। यंग पीपल, हाँ सारे जो जवान लग रहे हैं वही जा रहे हैं। गंगा मैया की जय। मैं थोड़ा फेक हो रहा है, थोड़ा सा रियल। पहले जो करता था वो रियल ही था। तेरा स्पिरिट एनिमल कौन सा? मैं नहीं बताऊंगा। डॉग डॉग डॉग। अबे साले कुत्ता। अबे बैर भाई, कुछ तो ढंगा सोच लेता है। फेवरेट एनिमल नहीं पूछ रहा वो। अबे फेवरेट, अबे फेवरेट एनिमल नहीं। क्या मुझे स्पिरिट है ना? मैं तेरा तेरा स्पिरिट कौन सा है जिससे तू सबसे ज्यादा रिलेट करता है? तेरे को अपनी जैसा लगता है? कुत्ता ऐसा तो भाई अभी हमें निशान बताने जा रहे हैं कि हमें एक रूम कितने का पड़ा है, एक दिन का। भाई जो हमारा ऋषिकेश में जो रूम, तेज बोल। जो भाई हमारा जो ऋषिकेश में जो रूम था वो हमें 2 दिन का 1120 रुपए पड़ा है। 2 दिन का? हाँ 2 दिन का। अगर आपको होटल्स वगैरह प्रेफर करते हो आप, तो आप कहीं और चले जाओ। पापा का होटल है। इतने इज्जत से बता, इतने प्यार से बता रहा हूँ। भाई हरिद्वार में बहुत बचता है ना। बहुत। गोवर्धन ढाबा, ये रहा पीछे हाईवे और ये रही ट्रक, ये रहा। आई एम सॉरी बाबू। वेलकम टू करंट व्लॉग। यस, लाइक गाइस, अच्छा लगा एंड सब्सक्राइब। और एक और भी होती है 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से। हाँ तो भाई ये वीडियो मैं घर आके बना रहा हूँ तुम्हें उन चीज़ों के एक्सपेंसेस बताने के लिए जो मैंने ट्रिप में नहीं बताए। तो जो गाड़ी जो थी वो थी इनोवा क्रिस्टा, जिसमें 6 लोगों की जगह थी और हम 6 लोग ही थे। हमें 3 दिन का पड़ा था 15,000, मतलब पर पर्सन 2500। तुम ड्राइवर को जहाँ भी बोलोगे वो तुम्हें लेके जाएगा। जब हमें शिवपुरी जाना था एक्टिविटीज़ करने के लिए, जैसे कि रिवर्स बंजी एंड जाइंट स्विंग, हमें ड्राइवर उधर लेकर गया था खुद से। एंड हम सुबह जब निकले थे यहाँ से 5:30 बजे निकले थे और तीसरे दिन वापस 11:00 बजे आए थे। तो 3 दिन ही हो गए, तो पर पर्सन 2500 पड़ा था हमें गाड़ी का। हाँ तो भाई हम हरिद्वार पहुँच गए हैं और हर की पौड़ी ये रही, हम जा रहे हैं, ये निशांत वीडियो बना रहा है, हम जा रहे हैं हर की पौड़ी, क्योंकि सारे रेस्टोरेंट वहाँ पर है खाना खाने के लिए। इस बार तुम्हें हर चीज़ का रेट बताऊंगा जो पिछली वीडियो में नहीं बताए थे। भाई हम पहुँच गए हैं यहाँ पे गंगा के ऊपर एंड नदी बहुत ज्यादा तेज चल रही है और मुझे डर लग रहा है। ये जगह में काफी कलरफुल होटल्स हैं, अगर तुम्हें दिख रहा हो पीछे अलग अलग कलर के होटल्स हैं यहाँ पे, जैसे जयपुर वाली फील आ रही है पूरी। अच्छा अदरक वाली कुल्हड़ चाय। अदरक वाली कुल्हड़ चाय, कुल्हड़ चाय कितने की भाई है? दिस इज फॉर 15 रुपीज। ठीक है भैया। नाइस। तो भाई यहाँ पे ये पूरी मार्केट ही मार्केट है, सब यहाँ पे ज्वेलरी भी है और खाने के रेस्टोरेंट्स ऑब्वियसली हैं ही, बाकी मार्केट एक्चुअली में बहुत बड़ी है। पीछे काफ़ी दूर से भी ऑलरेडी हम आ रहे हैं और आगे भी काफ़ी आगे तक एक्सटेंड हो रही है मार्केट, सब कुछ है यहाँ पे। दिमाग में तो आया, देख के चलो भाई। भैया मशक्क़त के बाद हमें होटल मिला अपना फाइनली होशियारपुरी। तो लेट्स गो इनसाइड। ब्रेकफास्ट के लिए है ना ये? तो भाई मेन्यू काफ़ी छोटा सा है क्योंकि सिर्फ ब्रेकफास्ट के मेन्यू है, सिर्फ परौंठे और छोले भटूरे और पूरी सब्जी है। इसमें लस्सी भी है, भाई साहब ने लस्सी ली है। भैया ओह माय गॉड, छोले भटूरे भी आ गए हैं। निशान स्माइल कर, ये मार्केट एक्सटेंडी होती जा रही है आगे। और फिलहाल हम हर की पौड़ी जा रहे हैं जो यहाँ से 10 मिनट की वॉक पर होगा। भाई अभी हम आ गए हैं हर की पौड़ी पे एंड हेयर इट इज, काफ़ी सुंदर है। एंड अभी हम जाके थोड़े से छींटे मारेंगे अपने मुंह पे, अपने पाप धोएंगे।
पानी बहुत ठंडा है एज एक्सपेक्टेड। घर की पौड़ी से आ गए हैं हम, और जैसे तुमने वीडियोस में देखा स्नान करने का बहुत मन था लेकिन कपड़े हैं नहीं हमारे पास, तो ऊपर ऋषिकेश में ही स्नान करना पड़ेगा हमको। अभी हम गाड़ी वाले के पास वापस जा रहे हैं अपने, जो हमने गाड़ी बुक करी थी तो वो ऋषिकेश लेके जाएगा, तो वहीं चलते हैं। चलो तो भाई 5-5 रुपये के लड़ने के बाद यहाँ से शॉपिंग कर लिया हमने और अभी हम वापस जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ। महाराष्ट्र, MP, कर्नाटका, तमिलनाडु, यही नहीं अभी और सुनिए, और इस तरफ क्या गोवा, ठीक है। और तो भाइयों हम पहुंच गए अपने होटल, एंड ये रहा होटल, तो रंगरंगा जो है, तो ये रहा भाई होटल, एंड ये हम जा रहे हैं ऊपर। ओह माय गॉड, पब्लिक मेकआउट बॉब मार ले, काफ़ी रंगरंगा होटल है, काफ़ी अच्छी सजावट कर रखी है, और ये भगवान जाने क्या है अगेन, एंड काफ़ी अच्छा खासा बना रखा है यार, काफ़ी अच्छा काम किया पेंटिंग का। निशांत हमारा रूम कौन सा हो इसमें से? निशांत गेट खोल दे भाई, मैं इसमें घुस जाता हूँ। थैंक यू सर। तो ये भाई, ओ भाई साहब, सारे अपने अपने खोपड़े में घुसने वाले हैं, रंग बिरंगे रूम। सृष्टि हेलो, यो ये है मेरा कमरा, तो क्या बोल रहे उसको, बेड ही है ये, बैग पहले से नहीं था यहाँ पे, बैग मेरा है और ये कंबल मेरा है, कंबल मेरा नहीं है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं अभी सोच रहा था कि इस कमरे के बारे में और क्या खास है, तो मुझे दिखाइए। मेरे से मत करो कोई फाइट, निशांत की ऐस देख के पूर्वी की पेंट हो गई टाइट। तो भाई लड़के सारे गोवा जा रहे हैं, लड़कियां सारी गंगा घाट पर जा रही हैं। हेलो बोलो। हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, यहाँ तो बर्गर किंग, यहाँ तो डोमिनोज, यहाँ पे सब कुछ है खाने के लिए ऋषिकेश में। और एक तरीके की शॉप है, कौन सी शॉप है बता? यहाँ पे रिवर राफ्टिंग करने के लिए भी आप जाने। अब मैं चुप कर चुप के शॉप्स का नाम पूछ रहा हूँ। नेस्कैफे है, डोमिनोज है, और बर्गर शॉप नहीं बोलते इसको, फूड फूड वो प्लेसेस बोलते हैं। हाँ फूड प्लेस, फूड कोर्ट्स। बर्गर किंग के रेट तो ऑब्वियसली सेम ही है, एंड हमने बर्गर पे बर्गर मंगवा लिए निशांत के भाई साहब। सडन चेंज हो गया प्लान्स में। हाँ। अभी हम पहले आरती करने जा रहे हैं, उसके बाद हम जाएंगे स्नान करेंगे। तो पहले हम कपड़े चेंज करने जा रहे हैं अपना। हाँ। होटल में जहाँ पे हम अपना कुर्ता पजामा पहन कर रहेंगे, गोवा वाली फील थोड़ी कम करेंगे, और चलो फिर मिलते हैं। तो भाई पहले मैं अंडर ड्रेस था, अब मैं ओवर ड्रेस हो गया हूँ। पहले मैंने गोवा की शर्ट पहन रखी थी, अब मैंने शादी की शेरवानी पहन ली है। आई हैव नेवर ड्रेस अकॉर्डिंगली। कुर्तों की पुरानी बीमारी, बात बात पे शॉपिंग करने की। भाई साहब पहुंच गया हम राम झूले पे, और ये सच्ची हिल रहा है, मैं पहली बार आया हूँ झूले पे एंड ये हिल रहा है। तो भाई पूरा बीच सामने दिख रहा हो तो, और अभी हम जा रहे हैं बिकॉज गोवा का बजट नहीं है, तो यहीं फील लेंगे पूरी की पूरी। तो भाई ये रहा व्यू, एंड फकिंग ब्यूटीफुल इट इज, उफ सामने गंगा, ऊपर सूरज और मैं। हाँ तो भाई हम बीच पर आ गए हैं, और ठंडा पानी, ठंडा ठंडा पानी, ऑथेंटिक रिएक्शन। हाँ भाई मैंने चल रही है व्लॉग के लिए, सूट यार मैंने चल रही है व्लॉग के लिए। भाई रात हो चुकी है, और ओह माय गॉड ये राम झूला है, लाइटें जल चुकी हैं इसकी, और बहुत सुंदर लग रहा है। भाई कपड़ों के रेट कैसे लगे तेरे को? रेट तो सही लगे भाई, सस्ते में महंगे थे कैसे? सस्ते लगे भाई बहुत। कपड़े की क्वालिटी भी, फिर थोड़ा प्रिंट भी वैसा सही, लेकिन हाँ लेने लायक कपड़े, लेना चाहिए। 150-250 की शर्ट है जिसने जो लिया, कितनी 150 की शर्ट है ये वाली। जानकी बैठे मेरे सीने। आप मेरे हिसाब से मुंबई नहीं आ सकते हैं। तीनों चमन चुकियों भी जा रहे हैं ऊपर टॉप फ्लोर की तरफ, सुनने में आया वहाँ पे गेमिंग सेक्शन होगी, पता नहीं कौन कौन सी गेम्स है। टेबल टेनिस तो ग्राउंड फ्लोर पर दिख गया था हमको, अभी
ऊपर कितना ऊपर है फ्लोरी है, थर्ड पे तो आ गए। ओ भाई पूल भी है, फक्स नाइस पूल मिल गया भाई। हेलो व्लॉग, वेलकम टू माय गाइस। मैं कुछ खाने खाने के लिए पूरी क्या खाएगी तू? निशान क्या खाएगा भाई? कुछ भी खाना है, चाप खाएंगे, चाप। तो भाई हमने खाना खा लिया है, बहुत ही बेकार खाना, बहुत ही बेकार खा रहा है, आधा वापस करना पड़ेगा बिकॉज मिर्ची बहुत ज्यादा थी और हम ऑलरेडी काफी हॉट लोग हैं, इस वजह से बस बीमार ना पड़े वो खाना खाते। पैसे मैंने भी दिए लेकिन मैंने बिल देखा नहीं तो इसलिए मुझे पता नहीं है। वाह क्या खेलते हो यार तुम। तो भैया मैं इस कैफे में ब्रेकफास्ट करने के लिए और हमने टोस्ट ऑर्डर किए हैं जो बहुत महंगे हैं, 70 रुपये का एक ब्रेड टोस्ट। बाकी इसके बाद हम रिवर राफ्टिंग करने जाएंगे। क्या हवाई जहाज बनाई? मैंने हवाई जहाज बोल दिया भाई, जरा देखिए ये देख लो भाई, ये क्या है मैं नहीं पता, बिल्कुल डिसअपॉइंटेड है। ये चीज़ लग रहा है मेरे को, अच्छा हुआ चीज़ नहीं है। हाँ तो भाई हमने राफ्टिंग के पैसे दे दिए हैं और अभी हम राफ्टिंग करने जा रहे हैं। कोई किसी ने भी राफ्टिंग पहले कभी की नहीं है तो काफी डर का माहौल है हम सबके बीच। ये रही हमारी गाड़ी, इसमें हमने बैठना है। उन्होंने बोला रॉयल राफ्टिंग एडवेंचर। तो भाई 500 रुपये पर पर्सन राफ्टिंग में पड़े हमको, 500 रुपये पर पर्सन। मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल ठीक रेडी हो गए सारे, वीडियो बनाएंगे इसको, मैं गोप्रो से वो दिखाएंगे। भाई साहब पीछे देखो पानी ही पानी, हम हो गए हैं तैयार मेरे दोस्तों, जिंदा आ गया। तो कांग्रेचुलेशंस टू माय फैमिली। एंड पानी का बहुत थोड़ा तेज लग रहा है, मैं ऑलरेडी पानी से डरता हूं, तो विश मी लक। भाई देख सामने मेरी, भाई सामने हमारी बोट व्हाइट और ब्लैक कलर की, भैया ने बुलाया चलो चलते हैं। गंगे मैया की जय, गंगे मैया की जय, गंगे मैया की जय। स्टेडियम रेडी ना, 1 2 3 गो जंप 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 भाई, कूदो जल्दी यार, कूदो कूदो। ए गाइस कैसा लग रहा है? भाई राफ्टिंग कर लिया हमने, ये रही पीछे नदी, बाल देख के पता चली रहा होगा तुमको, सबकी फट गई थी भाई, बहुत मजा आ गया भाई। निशांत और मैं रैपिड में उतरे थे नीचे, हम रैपिड में नीचे उतरे थे, रैपिड में जहाँ पे बहुत तेज होता है। अच्छा ठीक है, बोट से नीचे उतरे थे हम रस्सी पकड़ के, लेकिन हाँ उतरे थे। अब हम जा रहे हैं जाइंट स्विंग करने, हम जा रहे हैं थ्रिल फैक्ट्री जाइंट स्विंग करने के लिए। ये पीछे दिख रहा है जाइंट सिंह, ये हाँ ये वाला जाइंट सिंह है और ये रहा भाई, हम दोनों ने करना है वो रहा जाइंट स्विंग हमने, वो रही ऊपर बंजी जंपिंग, ये साइकिल करने के लिए है, काफ़ी लंबा है ये वाली रोड जो दिख रही है, और ये इनको हवा में लटका देते हैं कहाँ गया है, ये ऊपर नीचे जाते हैं कि राइड खत्म हुई है। अभी हमने दो का कॉम्बो लिया है, दो का कॉम्बो हमको पड़ा है 4500 का,
दो लोगों का जिसके अंदर जाइंट स्विंग भी होगा, जाइंट स्विंग में दो लोग कर सकते हैं साथ में, और ये पीछे एक रिवर्स बंजी करके है, इसमें ऊपर नीचे जाता है, तो ये भी है, ये भी ठीक लग रहा था वैसे। ये है लिस्ट सारी चीज़ों की, सारे कॉम्बोज है, एंड हमने लिया है 12 combo 2 4500 इसके अंदर रिवर्स बंजी एंड जाइंट स्विंग है। करने जा रहे हैं ये बंजी, रिवर्स बंजी, ये दारा ऊपर जाता नहीं तो थोड़ा वार्म अप हो जाएगा हमारा ऊपर जाइंट स्विंग के लिए। बाकी चलो देखते हैं वीडियो। फक ब्रो मेरी जान कट रही है, एक स्माइल। तो भाई हंसदे चाह रहा था मतलब ऐ नहीं हुंदा हमारी पड़ी थी। बाकी अभी हम जा रहे हैं जाइंट स्विंग की तरफ, और हम रिवर्स बंजी कर चुके हैं, रिवर्स बंजी कर चुके हैं भाई साहब, बहुत ऊपर चले गए थे, नहीं कितने फ्लोर ऊपर चले गए, 10-12 फ्लोर ऊपर चले गए थे गाइस। रेडी हम पूरे ड्रेसिंग के साथ, अब हम जाने वाले हैं जाइंट स्विंग करने, और हमें हमारी फिट बहुत रही है। ये पीछे सामने घर दिख रहा है तुमको, ये वाला घर जो है, हाँ ये वाला घर, अगर इसने छोड़ा ना खुल जाके तो इस घर की छत पे लैंड करेंगे हम। चलो तो भाई हमने जाइंट स्विंग कर लिया है भाई, हेलो बोल दे भाई, बहुत तगड़ा था, बहुत तगड़ा था भाई, मतलब वीडियो देख ली होगी तुमने, एंड मेरे बाल देख के पता चल ही रहा होगा कि जाइंट स्विंग कर लिया हमने, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ बस, और कोई शौक नहीं है मुझे इतने इतनी ऊंचाई से कूदने का। लाइक शेयर कमेंट कर देना, कोई तरीका है भीख मांगने का? मैंने वीडियो ले लिया जो तुमने देख लिया, मैंने पहले लगा दिया, एक वीडियो का चार्ज था 500 एंड दो का था 800, मतलब दो अलग अलग चीज़ें करोगे तो दो की वीडियो का मिलेगा तुम्हें 800 देना पड़ेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिस है तुम्हारे लिए, हम जब यहाँ पे आए थे हमें सब ने बोला था कि राफ्टिंग करने में कुछ तुम्हारे पास जान नहीं बचेगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, बट ऐसा कुछ नहीं है, हमने राफ्टिंग कर लिया एंड अब हमने जाइंट स्विंग और रिवर्स बंजी भी कर ली है, इसको ये बात ध्यान रखना कोई इसको जो मर्जी बोल ले दो, यू कैन डू एवरीथिंग इन जस्ट वन डे, दैट्स इट। तो भाई अभी तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि पूरी ट्रिप पे मेरे कितने पैसे लगे थे, तो गाड़ी का तुम्हें ऑलरेडी मैंने बता दिया 2500, बाकी रूम का लगा था 1100 एक बंदे का, हॉस्टल था अगेन तो एक रूम में 6 लोग रह रहे थे, तो मुझे अपने बिस्तर के 1100 देने पड़े थे 2 दिन और 2 रातों के, बाकी 2500 लगा था खाने पीने का। अगर तुम ऋषिकेश दिल्ली से डेफिनेटली महंगा है, तो अगर तुम थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव होकर चलोगे तो तुम अपना 2000-1500 में पूरी ट्रिप निकाल सकते हो खाने वाने का। और रिवर राफ्टिंग के थे 500 रुपये पर पर्सन, 16 किलोमीटर की रिवर राफ्टिंग थी, तो दैट वाज आल्सो वर्थ इट, अगर तुम ऋषिकेश जा रहे हो तुमने पहले रिवर राफ्टिंग कर रखी नहीं कर रखी फिर से कर लेना, इट्स ऑलवेज वर्थ इट। मैंने एक 2200 की एक्टिविटी भी की थी जो रिवर्स बंजी एंड जाइंट स्विंग था, मैं पीछे वीडियो में देखा होगा, मुझे 2200 का पड़ा था विद वीडियो 2600 का जो GoPro से बनी थी, तो ओवरऑल मेरा पूरी ट्रिप का मिला के बना था लगभग 9000 रुपया। तो अगर तुम एक्टिविटी नहीं करते हो जो मैंने की थी और रिवर राफ्टिंग नहीं करते हो एंड कॉस्ट इफेक्टिव होकर खाना खाते हो तो 5000 में तुम्हारी पूरी ट्रिप निपट जाएगी, अगर तुम उसमें रूम खाना एंड गाड़ी मिला लेते हो तो।
तो लाइक शेयर कमेंट कर देना अगर इसको यहाँ तक देखा तो। अभी हम जा रहे हैं परमार्थ आश्रम। अच्छा वहाँ पे राम झूले के पास जा रहे हैं हम लोग आरती अटेंड करने के लिए करेंगे। और ये मैं पहली बार लग रहा है जो मैंने एक्चुअली में कंघी करी है एंड मेरी कुछ ज्यादा ही हो गई है ऐसा लग रहा है। भैया हेलो बोल दो। कहीं नहीं जा रहे, चूते अंदर घूम रहे हैं बस मार्केट में। ये औरतें हमारे साथ आई हैं, इनको अपना कपड़े कुपड़े लेने दिख रही है तुम्हें फ्रेम में, ये रेड वाली की बात कर रहा हूँ। कहीं देख रहे हैं मैं कहीं बैठ के खाने कुछ मिल जाए, बिकॉज हमारी हालत खराब हो चुकी है शॉपिंग कर करके। और तो हुई है हमारी तो नहीं हुई है, ढीला आदमी है बहुत ज़्यादा। भाई हमें खाना बहुत महंगा है भाई, अभी पीछे पनीर मोमोज की एक प्लेट खाई है 100 रुपए की। 100 रुपए भाई, 100 रुपए, 100 रुपए हीरे खाए थे हमने, हीरे 3 प्लेट खा ली। ऐसा लग रहा था 100 रुपए की हुए, 3 प्लेट 2 प्लेट खाई है। आ मेरी जान, तो आज कमाएंगा, नहीं सॉरी आज कमाएंगा तो कल खाएंगा। हड्डी सारी क्वालिटी। हरिओम, क्या पिक्चर बना रहे हो आप? व्लॉग बना रहे हो सर, हेलो बोल दो। हाय नमस्ते। नमस्ते सर, आप सब लोग बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छी एनर्जी और ऑरा को धारण कर रहे हो, तभी तो आप हमारे पास आ गए। ये देव नगरी है, देखो जब मन में भाव पवित्रता का हो तो कोई चांस नहीं कि आप नकारात्मकता से जुड़ जाओ, पवित्रता ही नहीं। ग्रेविटी बोलते हैं गुरु, बहुत प्यार से बात करते हो, दिल आ गया मेरा आपसे। प्यार है सबको, बहुत प्रसन्नता। The next morning. तो भाई अगला दिन चढ़ चुका है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अभी हम करने जा रहे हैं ब्रेकफास्ट और उसके बाद यहाँ पे एक सीक्रेट वेट वाटरफॉल है जिसका नाम निशांत को पता है। वाटरफॉल का नाम है नीलगढ़। यप, तो हम आ जाएंगे अभी, 2 किलोमीटर की ट्रैक है मेरे सोर्स के हिसाब से। हमने मंगवाया गोभी परौठे और इसने मंगवाया पनीर पराठा। रेट के हिसाब से मेरे को कितने पैसे देने हैं? मेरे को देने हैं गोभी पराठा के 80 रुपये, 80 रुपये का पराठा है, पहाड़ों में। तो हम पहले नीचे जा रहे थे एंड देन हम यूटर्न लेके ऊपर आए। पीछे एक छोटी सी स्ट्रीम थी जो डेफिनेटली वाटरफॉल से निकल रही है, यहाँ पे भी पानी है पीछे। आई थिंक ये पानी वाटरफॉल से ही कहीं से आ रहा है। लड़कियाँ पीछे छूट गई हैं हमारे बहुत, हम लड़के काफ़ी तेज़ आगे आ गए हैं। चलो भाई, ये जा रहा है पानी, लेकिन ये पानी ऊपर से होता हुआ जा रहा है, तो हमें वहीं ऊपर ही जाना है जहाँ पे सारे लोग जा रहे हैं ऊपर। तो चलो यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आज तो सुबह के टाइम ऑफ, बिकॉज यहाँ पे बहुत बड़ा भीड़ है, कम से कम करते करते 500 बंदा होगा यहाँ पे। तो या जल्दी आना सुबह। और हाँ, यहाँ पे एंट्री टिकट भी है 30 रुपये की, जो
यहाँ पे जो ये लोग बैठे हैं ये चेक करते हैं पीछे जब गाड़ियाँ यहाँ पे आ रही होती है वहाँ से टिकट मिलती है एंड टिकट आगे तक लेकर आनी होती है बिकॉज ये चेक करते हैं। एंट्री टिकट भी है 30 रुपये की यहाँ की जो हमें शुरू शुरू में मिलती है एंड जो पीछे लोग बैठे हैं सामने बोर्ड लगा के ये चेक करते हैं टिकट है कि नहीं, टिकट आगे तक लेकर आना क्योंकि हम लेकर नहीं आए थे एंड क्योंकि यहाँ पे व्हाट्सएप नहीं चलता तो टिकट हम ले भी नहीं पाए तो हमने उनको थोड़ा सा रिक्वेस्ट करी दोनों ने हमें जाने दिया नहीं तो टिकट नहीं थी हमारे पास। तो भाई हमने ये खाना मंगवाया हरिद्वार में वापस आते टाइम और सबके सब दाल मखनी और चाय पनीर चाहिए पेल रहे हैं शासन प्रशासन की इज्जत करते हैं इसलिए डिस्क्लेमर दे रहे हैं हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। फिर से रोड में मिल रहा है फलूदा तेरे में कितना है गूदा 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 तेरी माँ का पुदा तेन समा ला के रब ने बनाया क्या तूने कभी जिंदगी में कुछ पाया इतने गंदे जोक मार रहा है तूने क्या है खाया मैं ना कुछ खा पाया तब भी जोक निकला बच्चा रो पा रहा टाइम करने की भी कोशिश नहीं करता भाई तेन समा ला के रब ने बनाया क्या तूने कुछ खाया क्यों बोल रहा है यूपी 15 का ढाबा आया भाई अभी हम वापस दिल्ली में आ गए हैं अपनी ट्रिप खत्म हो गई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना लास्ट टाइम की तरह बाय बाय।